यस फ्रेंड थर्ड पार्ट टॉप 50 सक्सेसफुल कार्स ऑफ इंडिया के थर्ड पार्ट पर आप सभी का स्वागत है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को अब तक नहीं देखा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को इजीली देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन द इंट्रो। नंबर 21 टाटा टियागो। ट्रक्स और बसेस का एक भरोसेमंद और रिलायबल ब्रांड है टाटा मोटर्स इंडिया में। आप इंडिया में चाहे किसी भी राज्य में रहते हो, आपको टाटा मोटर्स के ट्रक्स और बसेस हर जगह देखने को मिल जाएगा। लेकिन टाटा मोटर्स फोर व्हील कार सेगमेंट में पहले उतना जाना नहीं जाता था, लेकिन रतन टाटा ने पिछले कुछ सालों में कुछ बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के बाद टाटा भी फोर व्हीलर सेगमेंट में अच्छा खासा पॉपुलर हो गया है और इसी पॉपुलर प्रोडक्ट्स के रेंज में टाटा टियागो आ जाता है। टाटा ने इस गाड़ी को साल 2015 में लॉन्च किया था इंडियन मार्केट में। ये एक हैचबैक कार है। टाटा ने अभी हाल ही में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च किया है इंडियन मार्केट में। इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ही मिल जाते हैं, आप कोई सभी ले सकते हैं। माइलेज की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 23.84 kmpl का माइलेज क्लेम करता है टाटा। न्यू 2020 टाटा टियागो का प्राइस एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से स्टार्ट होता है 4.6 लाख से और जाता है 6.6 लाख तक। नंबर 22 टाटा टिगोर। टाटा टिगोर टियागो हैचबैक का ही एक सेडान वर्जन है। टियागो का सक्सेस को देखते हुए टाटा ने टिगोर को साल 2017 के मार्च महीने में लॉन्च किया था इंडियन मार्केट में। इस गाड़ी का भी हाल ही में फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ है। टिगोर में आपको टियागो वाला ही 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल जाते हैं। माइलेज की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 20.3 kmpl का माइलेज क्लेम करता है टाटा। न्यू 2020 टाटा टिगोर के प्राइस एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से शुरू होता है 5.75 लाख से और जाता है 7.49 लाख तक। नंबर 23 टाटा नेक्सॉन। सब 4 मीटर के एसयूवी कैटेगरी के सेगमेंट में नेक्सॉन बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट है टाटा मोटर्स का। टाटा ने इस पॉपुलर प्रोडक्ट को साल 2014 में प्रोटोटाइप के तौर पर न्यू दिल्ली में आयोजित एक मोटर शो में पहली बार अनवील किया था और साल 2016 में इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में भी लॉन्च कर दिया था। टाटा नेक्सॉन इंडिया का फर्स्ट 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग कार है। इंडिया में नेक्सॉन के पहले कोई भी कार में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग नहीं आती थी, लेकिन नेक्सॉन के लॉन्च होने के बाद अब इंडियन मार्केट में आपको कुछ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो 4-स्टार या फिर 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आता है। टाटा नेक्सॉन में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। माइलेज की बात करें तो नेक्सॉन में आपको मिनिमम 17 टू मैक्सिमम 21.5 kmpl का माइलेज मिल जाता है। न्यू 2020 टाटा नेक्सॉन का एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से प्राइस स्टार्ट होता है 6.95 लाख से और जाता है 12.7 लाख तक। नंबर 24 टाटा अल्ट्रोस। बहुत इंतजार के बाद टाटा ने फाइनली इस कार को अभी हाल ही में लॉन्च कर दिया है इंडियन मार्केट में। लॉन्च होने से पहले ही टाटा अल्ट्रोस का क्रैश टेस्ट हो गया है और क्रैश टेस्ट में अल्ट्रोस 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आ चुका है और 5-स्टार रेटिंग के कारण इंडियन कस्टमर के बीच ये गाड़ी काफी कम समय में ही पॉपुलर हो गया है। टाटा अल्ट्रोस में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन मिल जाता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक के ऑप्शन दोनों ही आपको अवेलेबल है इस गाड़ी में। माइलेज की बात करें तो टाटा अल्ट्रोस में आपको मिनिमम 19 टू मैक्सिमम 25 kmpl का माइलेज क्लेम करता है टाटा। न्यू 2020 BS6 कॉम्प्लायंट टाटा अल्ट्रोस के एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से प्राइस स्टार्ट होता है 5.29 लाख से और जाता है 9.29 लाख तक। नंबर 25 टाटा हैरियर। इस गाड़ी को टाटा ने लगभग 1 से 1.5 साल पहले लॉन्च किया था इंडियन मार्केट में। इस गाड़ी का जो एक्सटीरियर डिजाइन था वो इंडियन मार्केट के हिसाब से एकदम नया था और टाटा हैरियर रेंज रोवर के प्लेटफॉर्म पर बनी हुई कार है, जिसके वजह से ये गाड़ी लॉन्च होने के बाद
काफी पॉपुलर हुई इंडियन मार्केट में। इस गाड़ी में जो खासियत है वो है ये गाड़ी अंदर से काफी बड़ी है और सिर्फ 5 सीटर एसयूवी है, जिसके कारण इस गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा बल्कि बहुत ज्यादा पेस और बूट पेस भी काफी अच्छा मिल जाता है, जिसके कारण ये गाड़ी पॉपुलर तो हुई इंडियन मार्केट में, लेकिन अभी इस गाड़ी का हाल थोड़ा खराब है और खराब होने का कारण है मार्केट में मिलने वाला कंपटीशन, क्योंकि इस गाड़ी के डिजाइन से इंस्पायर होके हुंडई की वेन्यू, क्रेटा, एमजी मोटर्स का हेक्टर और एंट्री लेवल हैचबैक रेनो क्विड, ये सभी ब्रांड काफी आगे पहुंच चुका है इंडियन मार्केट में, और ये सभी गाड़ियां हैरियर के बाद इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई थी। लेकिन इस डिजाइन को पहली बार इंडियन मार्केट में लाने वाला टाटा मोटर्स के प्रोडक्ट हैरियर को उतना सक्सेस नहीं दिला पाई। अभी के मार्केट की बात करें तो हैरियर ठीक ठाक ही बिक पाता है इंडियन मार्केट में। न्यू 2020 BS6 हैरियर में आपको सिर्फ 2 लीटर डीजल इंजन ही मिल पाता है, कोई भी पेट्रोल ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ऑप्शन मिल जाते हैं। माइलेज की बात करें तो हैरियर में आपको 17 kmpl का माइलेज क्लेम करता है टाटा। न्यू 2020 BS6 कॉम्प्लायंट टाटा हैरियर का एक शोरूम नई दिल्ली के हिसाब से प्राइस स्टार्ट होता है 13.69 लाख से और जाता है 20.25 लाख तक। नंबर 26 रेनो क्विड, ये एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है रेनो की तरफ से। एक एंट्री लेवल कार में जो जो फीचर्स होना चाहिए वो सब तो मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स और भी मिल जाता है इस गाड़ी में। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर पेस भी काफी अच्छी मिल जाती है, तो इसी वजह से ये गाड़ी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद बहुत पॉपुलर हुई और अभी हाल ही में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट भी लॉन्च हो चुका है। न्यू 2020 के रेनो क्विड में 0.8 लीटर और 1 लीटर वाला पेट्रोल इंजन मिल जाता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आपको मिलता है इस एंट्री लेवल हैचबैक में। माइलेज की बात करें तो इस गाड़ी में आपको मिनिमम 23.012 मैक्सिमम 25.17 kmpl का माइलेज क्लेम करता है रेनो। न्यू 2020 रेनो क्विड का एक शोरूम प्राइस न्यू दिल्ली के हिसाब से स्टार्ट होता है 2.92 लाख से और जाता है 5.01 लाख तक। नंबर 27 रेनो ट्राइबर, ये एक सेकेंड अटेम्प्ट है रेनो ब्रांड का इंडियन मार्केट में। इससे पहले रेनो ने 7 सीटर MPV रेनो लॉजी को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था, लेकिन रेनो का ये प्रोडक्ट रेनो को 7 सीटर सेगमेंट में बिल्कुल ही सक्सेस दिला नहीं पाई। लेकिन रेनो का सेकेंड अटेम्प्ट रेनो ट्राइबर बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट बन चुका है इंडियन मार्केट में, और जो सक्सेस रेनो को फर्स्ट अटेम्प्ट से नहीं मिला था वो सक्सेस रेनो को सेकेंड अटेम्प्ट ट्राइबर ने दिलाई, और इस सक्सेस का कारण है रेनो ट्राइबर में मिलने वाला पैकेज। एक हैचबैक के दाम में आपको 7 सीटर MPV मिल जाए तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। अगर अंडर पावर 1 लीटर पेट्रोल इंजन को इग्नोर कर दिया जाए तो इससे अच्छा पैकेज इंडियन मार्केट में फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये गाड़ी फैमिली पर्पस के लिए ही ठीक है, कमर्शियल पर्पस के लिए ठीक नहीं है। माइलेज की बात करें तो ट्राइबर में आपको 20 kmpl का माइलेज क्लेम करता है रेनो। न्यू 2020 रेनो ट्राइबर का एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है न्यू दिल्ली के हिसाब से 4.99 लाख से और जाता है 6.82 लाख तक। नंबर 28 रेनो डस्टर, पहला पॉपुलर प्रोडक्ट रेनो ब्रांड का इंडियन मार्केट में। रेनो ने डस्टर को इंडियन मार्केट में साल 2012 को लॉन्च किया था। वैसे 2020 में रेनो डस्टर एसयूवी सेगमेंट से लगभग बाहर हो चुका है। 2020 में डस्टर के सेगमेंट में और भी धुरंधर खिलाड़ियों ने एंट्री कर लिया है, जिसके कारण डस्टर का पकड़ इंडियन मार्केट में बहुत ढीला पड़ चुका है। न्यू 2020 BS6 कॉम्प्लायंट रेनो डस्टर में अब आपको सिर्फ 1.5 लीटर का ही पेट्रोल इंजन मिलेगा। इस इंजन से 14.26 kmpl का माइलेज क्लेम करता है रेनो। न्यू 2020 BS6 कॉम्प्लायंट रेनो डस्टर के प्राइसिंग न्यू दिल्ली के हिसाब से शुरू होता है 8.49 लाख से और जाता है 9.99 लाख तक। नंबर 29 MG हेक्टर, इंडियन मार्केट में एंट्री करने वाली पहली चाइनीज एसयूवी कार चाइनीज ब्रांड MG या फिर मोरिस गैरेजेस का। ये गाड़ी लॉन्च होते ही सुर्खियों में छा गया था।
और इस गाड़ी के पॉपुलर होने का कारण था इंडियन मार्केट में पहली कनेक्टेड कार के तौर पर। इसी एक फीचर के कारण इंडिया में लॉन्च हुआ ये पहली चाइनीज प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर हुआ। बाद में किया सेल्टोस और हुंडई की पहली कनेक्टेड कार वेन्यू लॉन्च होने के बाद इस गाड़ी के पॉपुलरिटी में अब थोड़ा फीकापन नजर आती है, लेकिन अभी भी हेक्टर इंडियन मार्केट में ठीक ठाक बिक जाती है। न्यू 2020 एमजी हेक्टर में एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन और 2 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ही मिल जाते हैं। माइलेज की बात करें तो मिनिमम 13.96 टू मैक्सिमम 17.41 केएमपीएल का माइलेज क्लेम करता है एमजी मोटर्स। न्यू 2020 एमजी हेक्टर का प्राइसिंग स्टार्ट होता है एक शोरूम न्यू दिल्ली के हिसाब से 12.73 लाख से और जाता है 17.43 लाख तक। नंबर 30 मारुति वीतारा ब्रेजा। हम इंडियंस के चाहते ब्रांड मारुति सुजुकी का अभी तक का एक लौता एसयूवी है मारुति वीतारा ब्रेजा। इंडियन मार्केट में ये गाड़ी जब से लॉन्च हुआ है तभी से ये सिर्फ डीजल इंजन में ही अवेलेबल था इंडियन मार्केट में, लेकिन अभी हाल ही में लॉन्च हुई ब्रेजा फेसलिफ्ट में अब सिर्फ न्यू 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन ही मिलेगा। 1.3 लीटर डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर देने से और नया पेट्रोल इंजन देने से ब्रेजा के सेल्स में थोड़ा इफेक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल इंजन में डीजल इंजन जितना माइलेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन में पावर तो काफी अच्छा मिल जाएगा। और इस पेट्रोल इंजन में मिनिमम 17.03 टू मैक्सिमम 18.76 केएमपीएल का माइलेज क्लेम करता है मारुति सुजुकी। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। न्यू 2020 BS6 कॉम्प्लायंट ब्रेजा का एक शोरूम प्राइस न्यू दिल्ली के हिसाब से शुरू होती है 7.34 लाख से और जाता है 11.4 लाख तक। सो फ्रेंड्स, आज के थर्ड पार्ट को यही पर एंड करते हैं। अगर आपको ये थर्ड पार्ट भी पहले के 1 और 2 पार्ट जितना ही पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और ऐसे ही ऑटोमोबाइल से जुड़ी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ऑल नोटिफिकेशन के घंटी के साथ, जिससे इस चैनल पे अपलोड होने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियोस मिस नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे टॉप 50 सक्सेसफुल कार्स के 4th पार्ट में। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।